दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के हाथों मिली तीसरे टेस्ट मुकाबले में करारी हार के बाद पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भड़कते हुए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को टीम में बदलाव करने की सलाह दी है। उन्होंने भारतीय टीम की एक गेंदबाज को कम करके बल्लेबाज बढ़ाने की सलाह दी है। चलिए बताते हैं सुनील गावस्कर ने बल्लेबाजी में कौन सा बल्लेबाज बताया जिसे चौथे टेस्ट मुकाबले में खिलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में जीत पाएगी या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान पर खेला गया, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन इस मुकाबले में इतना शर्मनाक रहा कि भारतीय टीम को 76 रन और एक पारी इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय टीम को मिली करारी हार के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने विराट कोहली को टीम में बदलाव करने का सुझाव दे डाला। चलिए बताते हैं आपको गावस्कर ने अपने बयान में क्या कहा। गावस्कर ने कहा कि मेरे ख्याल से इन्हें सोचना होगा कि क्या वो इस लाइनअप के साथ उतरेंगे या टीम में परिवर्तन करेंगे। उन्हें सोचना होगा कि क्या वो 5 गेंदबाजों के साथ ठीक हैं या उन्हें गेंदबाज के बदले अतिरिक्त बल्लेबाज को लेना है। भारत के पूर्व बल्लेबाज ने महत्वपूर्ण नंबर 6 नंबर की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की और सीरीज में असफल रहे। उन्होंने कहा कि भारत 6 नंबर पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिला सकता है और पंत को निचले क्रम में भेज सकता है। पंत के अलावा अजिंक्य रहाणे का समय भी ठीक नहीं चल रहा है। पंत का बाहर होना मुश्किल है और अगर किसी को ड्रॉप करना हुआ तो रहाणे हो सकते हैं। अगर रहाणे को बाहर रखा जाता है तो भारत के पास मयंक अग्रवाल और सूर्य कुमार यादव तथा हनुमा विहारी के रूप में किसी दो बल्लेबाज को लेने का विकल्प होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कहा कि मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को अभी खिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केएल राहुल सलामी बल्लेबाज इनकी जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकते हैं, जबकि मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और हनुमा विहारी को मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जा सकता है। दोनों ही बल्लेबाजों के पास में अपनी काबिलियत है कि टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हनुमा विहारी को टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जाता है जबकि सूर्य कुमार यादव के अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपना सिक्का जमा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हालिया में प्रदर्शन किया है मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा खिलाड़ी हमेशा बेहतर करने की चाह रखते हैं और भारतीय टीम के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सुनील गावस्कर ने सूर्य कुमार यादव और हनुमा विहारी को चौथे टेस्ट मुकाबले में खिलाने की बात कही है, आप सभी को क्या लगता है कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।